आज की अद्वैतवाणी है इकतीस जनवरी 2014। हेडिंग दिया है अचानक के पहले अलर्ट रहे, स्वयं को पावरफुल बनाओ, खुश मिजाज रहे, संतुष्टता का वायुमंडल बनाओ, साथ साथ हर एरिया में संदेश देने का कार्य पूरा करो। अब कोई भी किसी का उलहना न रह जाए। आज की सभा स्नेह और स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित दिखाई दे रही है। हरेक के मन में विश्व कल्याण का उमंग उत्साह समाया हुआ है, चाहे सन्मुख है चाहे दूर है, लेकिन सारा ब्राह्मण परिवार दिल के स्नेह में समाया हुआ है। ये स्नेह परमात्मा और आत्मा के मिलन का स्नेह अति प्यारा अति न्यारा है। आज बाप दादा चारों ओर बच्चों को समर्थ रूप में देख रहे हैं। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। समर्थ बाप और समर्थ बच्चे, ये समर्थ आत्मा और परमात्मा का मिलन अति प्यारा न्यारा है, और ये मिलन सिर्फ संगम पर ही मिलता है। परमात्मा और आत्माओं का ये साकार मिलन कोटों में कोई आत्माओं को अनुभव होता है। ये परमात्मा और आत्माओं का मिलन कल्प में अब संगम पर ही होता है, और वो सौभाग्यशाली क्या पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं अभी आप सन्मुख मिलन मनाए रहे हैं। सबके दिल में इस समय यही मिलन का भाग्य प्राप्त होता है। कौन सा मिलन का भाग्य है? आत्मा परमात्मा का मिलन का कौन सा भाग्य है? सन्मुख मिलन का भाग्य है। सन्मुख माने क्या होता है? मुख के सामने वाणी चल रही 31 जनवरी की, तो सन्मुख कौन थे? है आत्मा और परमात्मा सन्मुख थे, है? अरे थे या नहीं थे? है थे जहाँ ये वाणी चल रही है, जहाँ ये वाणी चल रही थी वहाँ आत्मा और परमात्मा सन्मुख थे एक दूसरे के? अरे नहीं थे। पक्का विश्वास? हाँ,
मुख्य वाला वीडियो एक ही है। अरे 31 जनवरी को तलैटी में ये वाणी चली जिसमें बोला आत्मा परमात्मा का सन्मुख मिलन ये मिलन का भाग्य इस समय ही होता है। किस समय? संगम युग के समय। तो कैसे कहा जाए सन्मुख मिलन का भाग्य है? सन्मुख कौन थे वहां? गुलजार दादी में कहें तो सन्मुख थे या अव्यक्त थे? अव्यक्त को सन्मुख कहें फिर कहां? झूठ बोला। है बाप दादा जो सुनाए रहे हैं वो ब्राह्मणों की दुनिया की बात सुनाए रहे हैं कोई कोई और? तो कहां सन्मुख मिलन में ना रहे हैं? जो चार ओर के बच्चे समर्थ रूप में देख रहे हैं पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं बोला। वहां बेसिक की सभा में कहे नहान ना है नहीं क्यों? तो अभ्यक्त है तो अभ्यक्त है वहां तो परमात्मा सन्मुख नहीं कहेंगे। परमात्मा माना परमात्मा या मीडियम आत्मा? परम माने उत्कृष्ट। अगर ब्रह्मा के लिए कहें तो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा की कौन सी स्टेज दिखाई गई है? ऊंचे से ऊंची, मध्यम या नीची? सूक्ष्म वतन की तो तीन पुरियां दिखाई गई हैं। तो ब्रह्मा को अगर परमात्मा कहें तो वो तो साबित नहीं होता, क्योंकि शंकर को सबसे ऊंची पुरी में रखा है जिसे कहें परमात्मा। आत्माओं के बीच में परम पार्ट धारी। तो कहां की बात है? संगम में भी कहां की बात है? जहां आबू रोड में ये वाणी तलैटी में चलाई गई वहां की बात है या और कहीं की बात है? अरे कहां की बात है? हाँ, एडवांस पार्टी के बच्चों के लिए बोला। सबके मन में मेरा बाबा ये मेरापन समाया हुआ है।
बाप दादा भी इस समय यही चाहते हैं कि और भी आत्माओं को ये अनुभव कराओ मेरा बाबा, और वर्षे का अधिकारी बनाओ। आज संसार में दुख अशांति या अल्पकाल का सुख फैला हुआ है, उन आत्माओं को सदा के सुख शांति का थोड़ा सा भी अनुभव जरूर कराओ, क्योंकि इस समय ही अनुभव करा ही सकते हो। इस समय को वरदान है आत्माओं को परमात्मा से मिलाने का। किस रूप में? सन्मुख मिलन मलाने का। सारे कल्प में आत्मा परमात्मा का मिलन, परिचय, संबंध और वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। तो अब हरेक बच्चे को जो अधिकारी है, उनको सदा उन आत्माओं के ऊपर तरस आना चाहिए कि कोई भी आत्माएं, चाहे देश चाहे विदेश, वंचित नहीं रह जाए। आपका विशेष कार्य यही है कि किसी भी प्रकार से कोई एरिया ऐसी नहीं रह जाए जो लेना दे हमें परिचय नहीं मिला। सर्विस तो चारों ओर कर रहे हो, लेकिन कोई भी आसपास की एरिया नहीं रह जाए, बाद में उलहना नहीं मिले, हमारा बाबा आया और हमको पता नहीं पड़ा, ये जिम्मेवारी आप निमित्त बने हुए बच्चों की है। आप निमित्त बने हुए बच्चों की? कौन से बच्चों की है? एडवांस में जो चलने वाले बच्चे हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है। जहां तक हो सकता वहां संदेश जरूर दे दो। नोट करो कौन सी एरिया रही हुई है, जो लेना रह नहीं जाए कि हमें तो पता नहीं पड़ा, तो पता देना आपका कर्तव्य है। जाने नहीं जाने, पहचाने नहीं पहचाने, लेकिन आप क्या करो, आप संदेश अवश्य दे दो। तो हरेक अपनी एरिया के आसपास चेक करो कि कोई भी एरिया संदेश के बिना रह न जाए। भाग्य हरेक का खुद है, लेकिन संदेश देना आप भाग्यवान आत्माओं का कर्तव्य है। हरेक को अपनी एरिया का या आसपास के एरिया को चेक करना चाहिए कि हमारी एरिया का वो उलहना रह नहीं जाए कि हमें तो पता ही नहीं पड़ा। चाहे छोटा गांव है, चाहे बड़ा गांव है, शहर है, संदेश देना आप भाग्यवान आत्माओं का काम है। ये चेक करो हमारे आसपास के एरिया में संदेश पहुंचा है, किसी भी एरिया का उलहना नहीं रह जाए, क्योंकि मेजॉरिटी मुख्य शहरों में पहुंच गए हो। लेकिन फिर भी चेक कर लो, कोई भी एरिया रह नहीं जाए जो आपको उलहना दे हमारा बाप आया और हमें पता नहीं दिया। चेक तो करते हो, बाप दादा देखते हैं, फिर भी अपनी अपनी एरिया जहां तक पहुंच सकते हो और कोई नहीं पहुंचा है वहां संदेश देना आपका कर्तव्य है।
चाहे छोटी एरिया है लेकिन आपके एरिया के नजदीक है। तो आप नोट करो, छोटी छोटी एरिया वाले भी आपको लेना दे सकते हैं। हमारा बाप आया और हमको मालूम नहीं पड़ा। हमारा बाप है क्योंकि साहब का बाप है ना, तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? इसलिए चेक करो, अपनी एरिया के चारों ओर संदेश पहुंचा है। 31/1/2014 की वाणी का दूसरा पेज। फिर आपकी जिम्मेवारी पूरी हुई। ऐसे नहीं हो कि छोटी एरिया है लेकिन उस एरिया के हैं तो बच्चे ना, किसी को भी बेच के कम पता तो पड़े कि हम साहब का बाप आया हुआ है। चाहे किसी भी प्रोग्राम से अपने एरिया को सारा पूरा कराओ, अगर छोटी एरिया तो कोई छोटे के भेजो लेकिन वंचित नहीं रह जाए, क्योंकि समय अचानक आना है, बता के नहीं आएगा। अपना चारों ओर संदेश देने का कर्तव्य अवश्य देखो। मानो आपके एरिया में कोई सेवा नहीं है, एरिया में तो जो साथी एरिया वाले हैं उनको बता के उनको निमित्त बनाओ, कोई आत्मा रह नहीं जाए। संदेश मिलना चाहिए, बाकी उनको भाग्य। तो हरेक अपने एरिया को चेक करना, चाहे छोटी ही गली है, साधारण लोग हैं, लेकिन बच्चा तो है ना बाप का, बाप आया है ये पता तो होना चाहिए। चाहे किसी भी रीति से करो, कुलैना नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं पड़ा। यह आप लोगों का फर्ज है क्योंकि कोई भी हालत अचानक किसी समय भी आ सकती है। अपना फर्ज पूरा करो, चाहे किसी को भी भेजो लेकिन वो लेना नहीं रह जाए, हमको तो पता नहीं पड़ा। किस एरिया के तो नजदीक होगा ना। क्योंकि अचानक कुछ भी खिटपिट शुरू हो सकती है। अपना फर्ज आसपास का एरिया देख करके चेक करो, कोई रही हुई एरिया तो नहीं है। अगर दूसरे की एरिया है तो उससे राय करो, ऐसे बिना राय के नहीं करो, राय करो और पूरा करो, क्योंकि अचानक ही कुछ भी हो सकता है। इसलिए आज बाप दादा चाहे देश चाहे विदेश सभी बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि अपनी एरिया को चेक करो, राय करके बड़ों से उस द्वारा चेक कराओ, लेकिन रह नहीं जाए। मीटिंग करते हो ना, उसमें एक तो उसे राय कर सकते हैं। बाप दादा यही कहते हैं कि अचानक समय आना है, इसलिए कर लेंगे, हो जाएगा। ये भी कोई का संस्कार होता है तो रह नहीं जाए। ये बाप दादा सभी को इशारा दे रहे हैं, अपनी एरिया को चेक करो, अगर दूसरा कोई करना चाहे तो उससे भी कराओ।
क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं। छोटी छोटी बातें जो अचानक हो जाती हैं, आप अपने एरिया को देख लो, आसपास जितनी भी आपकी एरिया बनती है वहां संदेश रहा हुआ तो नहीं है, उलहना तो नहीं मिलेगा। बाकी आप सभी बाप के सिकिल्दे बच्चे जो बाप के बन गए वो कितने सिकिल्दे हैं, बाप दादा भी सिकिल्दे बच्चों को देख खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह। पुरुषार्थ में थकना नहीं, कोई भी छोटी मोटी बात आती है मदद ले लो, नहीं तो किससे मदद नहीं लेनी है तो योग बल से चेक करके उसका कोई न कोई सहयोग ढूंढो। हर एक चेक करना कि मेरी एरिया में से कोई रह तो नहीं गया, कि हमको संदेश नहीं मिला। आप सोचेंगे बाप दादा आज ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चों की नजदीकी एरिया जिनकी जिम्मेवारी है लेकिन वो पूरी नहीं कर रहे हैं, इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि कोई भी एरिया रह गई हो कारण या कारण तो उसका हल ढूंढो, संदेश जरूर दो। आज बाप दादा इशारा दे रहा है कोई उलहना नहीं रह जाए, क्योंकि आप देखेंगे उनों की एरिया को चेक करेंगे, उनों को पुरुषार्थ में चलाएंगे, उसमें भी तो टाइम चाहिए। तो अभी अपनी अपनी एरिया को चेक करना, अगर सर्विस करने वालों की मदद चाहिए तो अपने जॉन को बोलो वो मदद करे। तो आज बाप दादा सेवा का इशारा दे रहे हैं, सेवा के साथ और क्या इशारा है, स्वयं को संपन्न बनाने का। ऐसे नहीं कि सेवा में इतनी बिजी हो जाओ तो स्वयं को देखने का समय नहीं मिले, स्वयं को भी देखो और समय को भी देखो। बाकी सभी खुश मिजाज रहते हो, अगर खुश मिजाज नहीं रहते तो जिसमें फेथ हो भावना हो उससे सहयोग ले लो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि छोटी छोटी बातें किस समय भी आ सकती हैं, इसलिए अपने को अलर्ट रखना अपना फर्ज है। कोई कितना भी कहे लेकिन स्वयं को अलर्ट करना है। इकतीस जनवरी 2014 की वाणी का अव्यक्त वाणी का तीसरा पेज। तो आज बाप दादा सेवा और स्वयं दोनों को एवर रेडी करने के लिए इशारा दे रहे, संतुष्टता का वायुमंडल हर स्थान पर होना चाहिए। अगर असंतुष्टता है तो किसी भी सहयोग से, क्योंकि होना है छोटा छोटा हो या बड़ा हो लेकिन उसके लिए स्वयं को पावरफुल जरूर बनना है। आज बाप दादा इसी पर इशारा दे रहे हैं कि अचानक के लिए तैयार हो जाओ, फिर ऐसे नहीं कहना ये तो पता ही नहीं था। होना है होगा अचानक, आप सबके मन से हल्का हो जाएगा तभी होगा। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि अपने आप को चेक करो, बाप समान जो बाप चाहता है जानने में तो सब होशियार हैं,
तो जो बाप चाहता है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क इन सब बातों में ऐसी अवस्था है। कैसी? अरे कैसी? वो तो सुनते सुनते भूल जा रहे। बाप समान अवस्था है कौन कौन सी बातों में? मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क इन सभी बातों में जो कुछ भी अचानक हो तो सामना कर सकेंगे। इंटरनल पावर आत्मा सदा टेंशन में रहे, सदा तीव्र पुरुषार्थी, स्वपरिवर्तन और चारों ओर भी परिवर्तन में सहयोगी बनने में दोनों बातों में चेक करो। बाकी सभी ओके है? हाथ उठाओ। ओके ओके ओके। अच्छा, बाप दादा आगे का हाथ तो देख रहे हैं, पीछे का दिखाई नहीं देता। अभी पीछे वाले हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को बहुत बहुत बाप दादा का शिकवा प्रेम सहित याद प्यार स्वीकार। ऐसे कोई नहीं सोचे कि हमको तो बाबा का प्यार ही नहीं पता पड़ता, ऐसा कोई है? नहीं है ना? पता तो है ना परमात्मा प्यार क्या होता है? है पता? अच्छा, जिनको पता है वो हाथ उठाओ। सभी उठाए रहे, और लंबा उठाओ। अच्छा, नीचे करो। देखो, बाप दादा ने देखा हाथ में हाथ तो मेजॉरिटी उठाए रहे हैं। कोई बीच में रह गया हो, वैसे मेजॉरिटी ने उठाया तो है। अगर कोई अंदर में समझे हाथ उठाने में शर्म आवे, तो भी अगर कोई विघ्न है या कोई हलचल है तो अपनी दादियों को या जिसमें भी आपका फेथ हो, बड़ी दादी छोटी दादी, उनको सुनाई देना। रखना नहीं, अगर कोई न कोई इलाज ले लेना, क्योंकि होना है तो अचानक होगा, उस समय पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। किस बात का पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे? अभी चेक करो, कुछ भी अचानक हो जाए, हलचल हो जाए, तो इतनी शक्ति है जो स्वयं को बचाए, वायुमंडल में ये प्रभाव डाले, औरों के भी मददगार बने। ये चेक करना, समझा? सभी ने समझा? समझदार तो बहुत। बाप दादा को अच्छा लगता है, ऐसे नहीं कहते हैं। समझदार तो हो, लेकिन कभी कभी समय पर थोड़ा टाइम लगाते। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को, दूर वालों को भी, नजदीक वालों को भी बहुत बहुत मुबारक, जो अपने ऊपर अटेंशन दे रहे हो। धोखा नहीं खाना, अटेंशन दो, दे भी रहे हो और देते रहना। कोई भी मदद चाहिए तो निमित्त बने हुए द्वारा ले सकते हो। ऐसे नहीं कोई कहे किससे लेवे, निमित्त का पता है। दादियां है ना, दादे हैं, कोई भी गलती नहीं रखना। अगर हो भी गई तो बाप दादा से दिल में पश्चाताप करके उसको खत्म करना, जमा नहीं करो। बाप दादा हर एक का खाता देखे कैसा खाता है,
ओके वेरी गुड, ऐसे है। अच्छा इस बात में हाथ उठाओ। हाथ तो सब उठाए रहे हैं। देखो आप दादी आओ, हाथ देखो, हाथ उठाओ, ये सब ठीक है। हाँ आओ दादी, दादी को ले आओ। आज मोहिनी नहीं आई है क्या? अच्छा आ गई है। सेवा कटन पंजाब जोन का है। आठ हजार आए हैं। पंजाब वालों को वरदान है। पहले पहले अमृतसर में सेंटर खुला था तो गुरुओं का बहुत था। लेकिन पंजाब वालों ने सबके ऊपर जीत पाई और अपना सेंटर निर्विघ्न बनाने के लिए, निर्विघ्न चलाने के लिए दिए। इसके लिए पंजाब वालों को बाप दादा भी धन्यवाद दे रहे हैं। गुरुओं के स्थान पर सदगुरु की जीत करके दिखाई, अच्छा किया। गुरुओं की गद्दियों के बीच में ब्रह्मा कुमारियों का सेंटर अमर रहा और निर्विघ्न चलता था। निर्विघ्न चलाना। पंजाब वाली टीचर साथ उठाओ। अच्छा मेहनत अच्छी की है। और भी पंजाब का टर्न है ना। मोहिनी बहन से ठीक है ना? मोहिनी बहन ने बोला बाबा आपके वरदान से मैं ठीक हूँ। मुबारक ठीक है और ठीक रहेगी। भले कुछ भी हो बाबा मेरा यही दवाई है। तो फिर अच्छी रहेगी। इकतीस जनवरी 2014 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज। कोई बात नहीं, ये बीच बीच में होता है। अच्छा मुन्नी बहन से बहुत अच्छी मेहनत कर रही है, उसकी सफलता है। और ऐसे ही जैसे चलती हो वैसे अच्छे से अच्छा चला रही हो, चलाती रहेगी। जो भी कोई यहाँ वहाँ का इशारा आवे बुक कर लिया बस, और अच्छा चल रहा है। डबल विदेशी भाई बहनों से। अच्छा ये सब डबल विदेशी हैं। उनका 200 आए हैं। डबल विदेशी आजकल देखा है हर ग्रुप में कुछ न कुछ होते हैं। अच्छा अच्छा अपना पार्ट बजा रहे हैं, विदेश की सेवा भी अच्छी कर रहे हैं। लेकिन जितनी सेवा करते हैं ना उतना समाचार कम देते हैं। कोई ऐसा मुकर्रर हो जो मास दो मास के बाद सब तरफ की रिजल्ट लिख करके भेजे। अच्छी सेवा में वृद्धि है, पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हो।
कोई ने कहा कराची से एक भाई आया है, अच्छा है, कराची जन्म स्थान है ना, ऐसे स्थान की सौगात आवे तो कितने महान हैं। अच्छा, बाप दादा को समाचार मिलता है, अच्छा चल रहा है, जो भी आते हैं इसमें कराची वाले कोई और हैं? एक ही है, बहुत अच्छा, अच्छा लगा। विदेशियों को देख बाप दादा को अपना वर्ल्ड कल्याणकारी टाइटल याद आता है, क्योंकि पहले था इंडिया, अभी विदेश भी हो गया है। पहले माने कब? है पहले था सिर्फ इंडिया, इंडिया का कल्याण में लगे हुए थे, अभी विदेश भी हो गया। अभी माने कभी, कब से? ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित थे तब तक इंडिया में ही सेंटर्स थे, विदेश में कोई भी सेंटर नहीं था। फिर बाबा के शरीर छोड़ने के बाद विदेश में भी सेंटर खुलने लगे, तो इसलिए बाप दादा विदेश सेवा को सदा याद रखता है। पहले सिर्फ इंडिया कल्याणकारी था, अब विदेश चारों ओर फैला हुआ है, कोई एरिया अभी भी रही हुई है वो भी ऐड हो जाएगी, लेकिन विदेश ऐड हो गया है, अच्छी मेहनत की है, रिजल्ट विदेश की भी अच्छी है। निर्वैर भाई से तबीयत ठीक है, ठीक हो रहे हैं, हॉस्पिटल की चिंता नहीं करो, सभी से राय करके मीटिंग में फाइनल करना, सिर्फ ये सोचो कि एक हॉस्पिटल आबू के कारण खाली पड़ी है तो इतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो आबू में कौन आएगा। हॉस्पिटल के बारे में सबकी राय पहले लो, राय लेना चाहिए कि हाँ आबू में दूसरी हॉस्पिटल खोले, उनका उसी हॉस्पिटल के साथ एडिशन करेंगे। किस हॉस्पिटल के साथ? ग्लोबल के साथ, लेकिन दूसरी होगी ना, वो प्लान बनाना फिर देखेंगे, और प्लान दिखाना। किसने बोला? गुलजार दादी के द्वारा ब्रह्मा बाबा ने बोला ना, लेकिन मुरली में किसने बोला था? तुम्हारी कौन सी हॉस्पिटल है, जिस्मानी हॉस्पिटल है या रूहानी हॉस्पिटल? तुम तो जिस्मानी हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे ना, मना? मुरली की बात ब्रह्मा बाबा भी भूल गए क्या?
ब्रजमोहन भाई से गीता के भगवान के बारे में। उसके लिए टॉपिक थोड़ी चेंज करो, उन्होंने बोला अहिंसा की टॉपिक आपने बताई थी वही चालू रखें, थोड़ा चेंज करो। अहिंसा परमो धर्म नई बात तो थी लेकिन आकर्षण वाली थोड़ी थी, आकर्षण वाली पॉइंट निकालो, थोड़ा चेंज करो, सोचो थोड़ा। सभी छोसे कि जिसमें टॉपिक पर ही आकर्षण हो जाए, अब ये सोचते हैं हमारा क्या जाता, क्या भी हो लेकिन समझे हमारा फायदा है, ऐसे सोचो। पंजाब की बड़ी बहनों से, पंजाब तो मशहूर है, पंजाब से कुमारियां अच्छी निकली हैं, भाई भी अच्छे निकले हैं, जिससे टोटल पंजाब अच्छा चल रहा है। एक दो को सहयोग देके अच्छा उन्नति को पा रहे हैं, अभी और भी उन्नति करो, आवाज निकालो, आवाज नहीं निकला है। कोई कहा हरिद्वार में संत सम्मेलन करें, कुछ हलचल कराओ, शांति से सुन रहे हैं, कुछ उसका मिक्स हो जाता है, लेकिन ओरिजिनल क्या है उसका थोड़ा प्रसिद्ध करो, जो अपने होंगे वो निकलेंगे। क्यों, वहां के कोई साधु जो बड़े मशहूर हैं, उनमें से कोई निकले, ये सेवा करो। वो कहे ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान हमने जीवन में लाया, ऐसी कोई मिसाल निकालो। बैठे तो हैं सभी, चाहे कोई की भी पंजाब में मदद लो, इंडिया की लो, साहब की ले सकते हो, ये आवाज निकले। ब्रह्मा कुमारियां कृष्ण के बजाय शिव कहती हैं, ये आवाज निकले, ये पंजाब की सेवा है। तो ये आवाज निकलना चाहिए ना, फिर पंजाब को प्राइज देंगे। अगर ये आवाज निकालेंगे, चाहे माने नहीं माने, लेकिन ये तो कहे इन्हों का ये मत है, और इस पर सभी का सोच चले, तो करो कोई कमाल, सभी मिलकर के राय करो। अच्छा शांति से चल रहा है ना, सब चुप हो गए, कोई ने कहा जालंधर की राज बहन बीमार है, आ नहीं सकी, उसके लिए टोली ले जाओ। जयंती बहन ने कहा
बाबा दादी जानकी को आपने 8 दिन के लिए लंदन भेजा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बाप दादा ने बोला, सब खुश हो गए ना, ठीक है, जो ड्रामा में था वो अच्छा हुआ। अच्छा, ओम शांति। मुझे याद करो और मेरे लिए यजन करो। यजन करो माने यज्ञ करो। यज्ञ माने ईश्वरीय सेवा, जिस सेवा में तन भी स्वाहा, मन भी स्वाहा और धन भी स्वाहा, ये यज्ञ करो। यज्ञ करो यानी यजन करो, मत याजी भव। ऐसे करेंगे कि मेरे को याद करेंगे, मेरे लिए यजन करेंगे, यज्ञ सेवा करेंगे, तो तुम सूर्यवंशी बन जावेंगे। क्या कहा? है ब्रह्मा के लिए नहीं है, क्या कहा? ब्रह्मा की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अगर करेंगे तो तुम सूर्यवंशी नहीं बने। क्या बनेंगे? चंद्रवंशी बनेंगे। मान लो आगे चल करके इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक भी निकलते और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए तुम जो कुछ ईश्वरीय सेवा का कार्य करेंगे, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान सुनावेंगे, तो सूर्यवंशी बनेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी बनेंगे। ये सूर्यवंशी पद तभी पा सकेंगे जब मुझे ज्ञान सूर्य को पहचान करके मेरे से राजयोग सीखेंगे, मुझे याद करेंगे और मेरे लिए यजन करेंगे, माने यज्ञ सेवा करेंगे। अब शिववंशी कहो, सूर्यवंशी कहो, बात तो एक ही है। रावणवंशी, बात दूसरी हो गई कि वही हो गई है? अगर सूर्यवंशी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? बनेंगे तो जरूर, लेकिन वंश तो दो ही है अंत में जाकर दुनिया में। क्या? एक रामवंशी और दूसरे रावणवंशी। अगर सूर्यवंशी नहीं बने तो क्या बनेंगे? ब्रह्मा की बात मानेंगे, ब्रह्मा को फॉलो करेंगे, चाहे कोई भी धर्म पिता को फॉलो करेंगे तो उसी वंश के बनेंगे।
वो सब मिलकर के कौन से वंश के कहे जाएंगे? रावण वंश। तो वो राम वंशी कहो या दैवी वंशी कहो, और ये है आसुरी वंशी। क्या कहा? ये कह के किस तरफ इशारा किया? ऐसे सबके सामने बोल देते थे बाबा क्या? और कोई की समझ में नहीं आता था है? ये तो जादूगरी की वाणी हो गई। जादूगर जादूगर आएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। अरे कोई को तो समझ में आता उस समय। अरे तो उस समय जो बैठे थे उनकी बात हो रही है। उस समय कुछ बच्चों को इमर्ज करके भी बोलते थे, लेकिन वो सन्मुख थोड़े ही थे। ये इतनी सहज नॉलेज है समझने की। इतनी सहज है, फिर भी उस समय कोई नहीं समझे। और बाबा बुद्धि में घड़ी घड़ी बिठाते हैं। कोई बात को, कोई चीज को महीन करने के लिए क्या किया जाता है? हैं? कोई गांठ है, कोई कड़क चीज है, तो क्या करते हैं? है? कूटा जाता है ना? तो देखो, महीन करने के लिए घड़ी घड़ी कूटा जाता है ना? क्या महीन करने के लिए हैं? मैंने 64 में जो भी सामने बैठे थे वो महीन बुद्धि थे या मोटी बुद्धि थे? कड़क बुद्धि थे। तो उनकी बुद्धि को महीन करने के लिए क्या करते हैं? घड़ी घड़ी कूटा जाता है। जैसे तुमने देखा कि बॉम्बे में मकान बनाते हैं तो फाउंडेशन पक्का डालने के लिए कितना ठक ठक चलती ही रहती है, इसलिए कि फाउंडेशन पक्का हो जाए है। कोई मकान का दीवाल की नींव खोदते हैं और उसमें ईंट कंकड़ पत्थर डालते हैं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं या दुर्मुख से ठक 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 अच्छी तरह से ठोकते हैं, अच्छी तरह से ठोकते हैं। तो बाप भी तुम बच्चों को कहते रहते हैं कि जितना हो सके इतना मुझे अपने बाप को याद करो। उनको याद करो। किनको? इनको नहीं, किनको? उनको दूर कर दिया। किस तरफ का इशारा था? है, उनको याद करो। और सिर्फ उनको याद करने से काम नहीं चलेगा। क्या कहा? है, क्योंकि उनको जिनकी तरफ इशारा किया वो तो झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है। तीन देवताओं में
सर्वोपरि देवता है, देव देव महादेव कहा जाता है, जिसके नाम के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, सेवा का नाम जुड़ा हुआ है, और वो अपना काम तब पूरा करते हैं जब उनके नाम के साथ बम बम लगाया जाता है, बम फटते हैं और साथ साथ सभी आत्माएं खिंच करके परमधाम वापस जाती है। तो उनको याद करो और विष्णुपुरी को भी याद करो। क्या एक देवा है शांति देवा और दूसरा देवा है सुख देवा। जोर से बोलो। शांति देवा, तो शांति देवा शांति देने का काम करने के लिए झाड़ के ऊपर बैठाया हुआ है। सब आत्माओं को शरीर छुड़वा करके कहाँ ले जाता है, शांति धाम भेज देता है। परंतु क्या सुखधाम भी भेजता है? है नहीं? तो विष्णुपुरी भी याद करो। क्या विष्णुपुरी माने नो विषय टाल, यहाँ विषय वासना है ही नहीं, भले देखने में ये आता है कि विष्णु सांपों की शैया पर बैठा हुआ है। काई की शैया? शंकर को तो सांप दिखाए जाते हैं, कमर में सांप, बगलों में सांप, गले में सांप, सर के ऊपर सांप, पांचों विकारों की निशानी दिखाई दी कि लिपटे हुए हैं। परंतु विष्णु तो जैसे लोग समझते हैं कि रात में बेडरूम में जाएंगे कितना आनंद आएगा, सुख की दुनिया मिल जाएगी, और विष्णु कहाँ बैठता है? सांपों की सैया पर बैठता है, और वो सांप ही उसकी रक्षा करके बैठे हुए। तो देखो अकेले बाप को याद करने की बात नहीं है कि बाप शांति धाम में ले जावेगा, शांति देवा है, क्योंकि बोला है, कहते हैं देव देव महादेव वो भी मैं ही हूँ। किसने बोला? शिव बाप ने बोला। तो शांति देवा भी वो है, लेकिन ये नहीं बोला कि मैं तुमको सुखधाम में ले जाऊंगा, बोला नहीं। उसके लिए विष्णुपुरी को याद करो। किसकी पुरी को? विष्णुपुरी। विष्णु माने क्या है? ऐसा कौन है जिसके जीवन में अंश मात्र भी विषय विकार नहीं है? विषय किसे कहा जाता है? पराई स्त्री और पर पुरुष के सेवन को विष कहा जाता है। तो विष्णु कौन हुआ?
जिसके सारे जीवन में विषय विकार का नाम निशान नहीं देखने को मिलेगा। बचपन में कौन था विष्णु? बचपन में कौन था? अरे बड़े होकर तो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप, और बचपन में राधा कृष्ण। उनके लिए भी दिखाते हैं राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबी, और कोई में पर पुरुष में पर स्त्री में दृष्टि दृष्टि मात्र भी नहीं डूबती। और डूब जाए तो मर जाए है? और डूब जाता है तो अनिश्चय बुद्धि बनेगा कि नहीं? अनिश्चय बुद्धि बन जाए। तो ऐसे विश्वपुरी भी याद करो, क्योंकि विश्वपुरी में जाना है शांति धाम से आने के बाद। तो शिवपुरी को याद करो, विश्वपुरी को याद करो, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। तुम्हारा वर्षा क्या है? है तुम्हारा वर्षा है मुक्ति और जीवन मुक्ति का कंबाइंड रूप। कौन? मुक्ति। मुक्ति देने वाला कौन? जो नारायण पुरुषार्थी जीवन में शंकर के रूप में देखा जाता है और जीवन मुक्ति देने वाला कौन है? सुख देने वाला कौन है? विष्णु। विष्णु में तो दो है, नारायण भी है लक्ष्मी भी है। हाँ वैष्णो देवी, सही, वैष्णो देवी भी जो है वो अकेली है या प्रवृत्ति में है? कंबाइंड है। तो सुखदाई कौन है, नारायण या लक्ष्मी? नारायण नहीं। जो सुखदाई होगा उसका सारा जीवन 84 का चक्कर 500 करोड़ है। जो भी एक्टर्स हैं उनके बीच में सबसे जास्ती सुखदाई होगा या कम ज्यादा होगा? जो सबसे जास्ती सुखदाई वो ही दूसरों को सुख दे सकता है। और संगम युग में भी ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में नारायण का पुरुषार्थी रूप जो याद में बैठे दिखाया जाता है वो याद में बैठाए दे एक घंटे दो घंटे तो शांति, और बाकी फिर क्या होता है? फिर अशांति। तो फिर किसका आवाहन करना पड़े? विजयमाला का आवाहन करना पड़े। विजयमाला का आवाहन करने के लिए जैसे शहद की रानी मक्खी का वो पकड़ा जाता है तो सारी मक्खियां इकट्ठी हो जाती है, तो विजयमाला का हेड वैष्णो देवी का असली रूप हुआ। तो बाप को भी याद करो और उस बाप के मुकाबले है माता को भी याद करो। ये कहा माता को याद करो, क्यों है?
क्यों नहीं कहा माता को याद करो? नहीं, ये तो जो बाप का रूप है शिव बाप, और वह जो जब प्रैक्टिकल रूप में आता है सृष्टि पर, तो पांच तत्वों के चोले में आता है या बिना चोले के आता है? और जो पांच तत्वों का चोला है जिसमें वो पहले पहले प्रवेश करता है, वो माता है या नहीं है? सबसे बड़े से बड़ी माता है या छोटी माता है? नंबर बार है, परम ब्रह्म कहा जाता है, लेकिन उसका साकार रूप प्रकट जब तक न हो तब तक कोई मानेगा नहीं। तो बोला है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओह।